तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे प्रकार के चैनलों के बारे में जिनमें सब्सक्राइबर और व्यूज तो भर भर के आते हैं, लेकिन जब बात आती है चैनल को मोनेटाइज कराने की तो उन लोगों को पता चलता है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं सकता और ये देखकर उनको बाद में बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। तो अगर आप भी एक नए यूट्यूबर है और यूट्यूब पर लगातार मेहनत भी कर रहे हैं तो एक बार ये जरूर से देख लीजिए कि आपका चैनल कहीं इन 8 चैनलों में से तो नहीं है। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा ताकि YouTube और Facebook से संबंधित जितने भी नए अपडेट आए उनकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जैसे भी वीडियो डालते हैं वैसे ही वीडियो वायरल हो जाती है और उन पर भर भर के लाइक और सब्सक्राइब आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है उनसे पैसा कमाने की तो लोग उनसे एक रुपए भी नहीं कमा पाते। तो ऐसे चैनलों में जो पहला चैनल है वो है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स का। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो नए ट्रेंडिंग में सॉन्ग्स आते हैं उनके छोटे छोटे 5-5, 10-10 सेकंड के क्लिप काट लेते हैं और उनसे एक बड़ा वीडियो क्रिएट करके YouTube पर डाल देते हैं। अब हम इस जगह ये भी नहीं सकते कि वो लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि ऐसे वीडियो को क्रिएट करने में और उनकी एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इनका जो काम होता है वो बहुत ही बारीक तरीके से होता है और जो सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में होने के कारण लोग उनको देखना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए उन पर व्यूज और सब्सक्राइबर भर भर के आते हैं। लेकिन यूट्यूब के अनुसार आपकी वीडियो में आपकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं होने के कारण यूट्यूब ऐसे चैनलों को मोनेटाइज नहीं करता। तो अगर आपका भी चैनल कुछ ऐसी कैटेगरी का है तो उसकी कैटेगरी को चेंज कर ले, वरना आप आगे चल के यूट्यूब से एक भी रुपए की इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अब बात करते हैं दूसरे चैनल की जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है और वो चैनल है कम्प्लीटली AI जनरेटेड वीडियोस के। देखिए आप AI से स्क्रिप्ट लिवा सकते हैं, जैसे ChatGPT हो गया, अभी Google का आ गया और भी दुनिया भर के थर्ड पार्टी ऐप है जो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे, तो आप उनसे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कोई आप AI अवतार ले सकते हैं, कोई करेक्टर ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आप उसमें अपना कुछ वैल्यू एड कर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप उसमें अपना वॉइस ओवर रख सकते हैं जिससे कि YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। लेकिन आप कम्प्लीटली AI जनरेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें आप कहीं से वॉइस ओवर भी लेके आ जाते हैं, AI के जनरेटेड वीडियो यूज कर लेते हैं और दोनों को मिक्स करके सीधा YouTube पे डाल देते हैं। तो ऐसे चैनलों को YouTube मोनेटाइज करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें टोटली मशीन से जनरेटेड वीडियो, इसमें आपके कोई वैल्यू ही ऐड नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा चैनल चला रहे हैं तो उसमें खुद का वॉइस ओवर जरूर से करें। और अब बात करते हैं अगले चैनल की। तो ये चैनल ऐसा है जिसमें लोग क्या करते हैं कि कैसे कॉपीराइट फ्री वीडियो ले लेते हैं और कहीं से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ले लेते हैं और दोनों को मिक्स करके सीधा YouTube पे डाल देते हैं। और वो लोग वीडियो को तब तक डालते रहते हैं कि जब तक उनके 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। और जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को अप्लाई करते हैं तो बाद में उनको पता चलता है उनका चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं रहा है और फिर वो लोग सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ कॉपीराइट फ्री यूज किया था, फिर भी चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा। और इस जगह वो जरा भी नहीं सोचते कि अपन इसमें खुद की वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने चैनल पर मेहनत करके ऐसे वीडियो बना रहे हैं तो उनको बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता। और अब बात करते हैं अगले चैनल की। यह चैनल भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग सोशल मीडिया ऐप है उन सभी में जो वर्टिकल फॉर्म में वीडियो होती है उनको सभी को मिक्स करके एक बड़ा वीडियो क्रिएट कर लेते हैं और उसको सीधा यूट्यूब पे डाल देते हैं। जैसे कि कॉमेडी वीडियो हो गई, गेमिंग वीडियो क्लिप हो गई, इन सभी के 5-5, 10-10 सेकंड के क्लिप लेकर 7-8 मिनट का वीडियो बना लेते हैं और उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं और ऐसे चैनलों को भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता। और अब बात करते हैं अगले चैनल की। यह चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो कर लेता है और यह चैनल है व्हाट्सएप स्टेटस का। लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस का चैनल खोल लेते हैं और आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर से लगाता है और इंस्टाग्रामों पे स्टोरी लगती है, फेसबुक पे स्टोरी लगती है, तो इन सभी के लिए जो लोग स्टेटस ढूंढते हैं वो सीधा यूट्यूब पे ही ढूंढते हैं। जो लोग अच्छे खासे स्टेटस बना लेते हैं उनको अच्छे खासे सब्सक्राइबर और व्यूज भी मिल जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसे चैनल भी मोनेटाइज नहीं होते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्टेटसों में अपनी खुद की वैल्यू एड करता ही नहीं है और अगर वैल्यू एड नहीं होगी तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। और अब बात करते हैं अगले चैनल की। तो दोस्तों आपको रीयूज कंटेंट तो यूट्यूब पे डालना ही नहीं है। अगर आपको वीडियो यूट्यूब से ही डाउनलोड कर लेते हैं उसको थोड़ा बहुत एडिट करके वापस यूट्यूब पे डाल देते हैं तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। परेशानी जैसे आप किसी की वीडियो लेते हैं और वह वीडियो कभी उसके सामने आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति वो अपनी वीडियो को तुरंत पहचान लेता है और अगर वीडियो पहचान लेगा तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देगा और जिससे आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ऐसा चैनल नहीं खोलना है कि जिससे आप मेहनत भी करें और उसका फल भी ना मिल पाए। इसके अलावा आपको ऐसे चैनल नहीं बनाने हैं जिसमें आप रमी कैसीनो या अदर क्रैक सॉफ्टवेयर के बारे में आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल तब भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे वो कुछ अदर कैटेगरी के चैनल जो मोनेटाइज नहीं होते। तो दोस्तों आपके चैनल की कैटेगरी क्या है कमेंट में जरूर से बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेव करना ना भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।